हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ना मक काटने। क्या काटने जा रहे हो? मक। हाँ। तो आज चलते हैं पार क्षेत्र में। पार सॉरी, तो धूप लग रही है वहाँ पे बहुत मस्त, तो फटाफट चलते हैं क्षेत्र में। तो वहाँ पे आज हमने मक काटनी है, छिलनी है, देखते हैं क्या होता है दिन भर। पता नहीं मजा आया धूप में सड़ेंगे। चलो तब तक आप इंट्रो देखिए, तो हम चलते। तो हमारे साथ हैं ये छोटे छोटे दो चूजे। कहाँ जा रहे हो आप? क्षेत्र में। किस लिए? आप ये घास काटेगा वो छोटा आगे वाला। इधर मुड़ ला भाई, तू घास काटेगा? हाँ। कितनी है? ए, यहाँ पे धान के खेत हैं। वाह, सर्दी लग रही है यार, बहुत ज्यादा सर्दी है। ये देखो धान। तो आप चलते हैं, हमें धान नहीं काटना, हमें मक्की काट रही है। भागो फटाफट भाई, ओस है भाई, ठंडी है भाई। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने खेत के अंदर। क्या खेत लग रहे हैं, और धूप भी मस्त आ रही है। ये देखो, ये नमूना देखो। तो अब चलते हैं फटाफट से, ये ऊपर मक्की काटनी है। बताओ आपको, यहाँ से ऊपर चढ़ लेता हूँ। कितनी बड़ी मक्की है देखना, ये एक ठंडा, ये एक, ये सारी मक्की काटनी, वो वाली भी काटनी। ग्रीनरी कितनी मस्त आ रही है। चलते हैं फटाफट, शुरू करते हैं मक्की काटना। तो गाइस तब से हमने वहाँ से यहाँ तक मक्की काटी है, और अभी बाजू कर रही है चूं 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 चूं। ओ दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है यार, कहते हैं बाजू को पूरे। आई थिंक 4-5 साल के बाद ये पकड़ी है हाथ में। क्या करे, करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, जब कोई अपना, समझ रहे हो ना। धूप आ रही है, चलो काटते हैं, क्या करें। दिन भर आप भी हमारे साथ रहिए, हम भी घास काटते हैं इधर। देखिए गाइस, ये मक छिलने की निंजा टेक्निक। छिलता है नहीं, सारी पट पट सटे नाना बड़ा जान दो पार। नाने ने ऐसे नहीं बोला है। इधर इधर मुड़। कैसे बोला नान ने? ऐसे नहीं बोला, बोला था छिल के डालना। ये सब नानी है, नानी हमें भी साथ में कटवाएगी। पानी पीते हैं और वीडियो अपलोडिंग से डाल देंगे, वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं। देखो ऐसे ऐसे जगह पे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, तो फटाफट वीडियो अपलोड करते हैं और पानी पीते हैं। तो हमने मक सारी काट ली, भैया हमारे लिए चाय लेके आए, मसवाक मार। यहाँ बिस्किट और चाय पीते हैं, और ये वाले बड़े बड़े थोड़े उठाते हैं, लेके घर चलते हैं। बस हमने कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर की बड़ी डोगी थी। डोगी कहाँ, खेत का। तो जी फरमाओ, कड़ी चिड़ी कौन से? चलो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर उठा के लेके चलते हैं। इतना भारी उठा के ना, ये यहाँ से नीचे ले उतर रहा है। क्या खुदा, ले गयो। तो गाइज मैंने ये मक्की के 2 तोड़े कट्ठे उठाए हैं, और हम लेके जा रहे हैं पर अभी लक चुक चुक कर रहा है। यहाँ पे फिर से ऑब्स्टेकल आ गया गॉड, मुझे लगता है ये चैलेंज पूरा हो पाएगा, क्योंकि कमर में अब ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। कम से 300 किलो का पेन हो रहा है, और जाना कहाँ है पता है? उधर पार, वो लाल बंगलों के पास। और ये एक चप्पल भी मैंने थोड़ा उल्टी सीधी पहनी हुई है, और तो अब ओ लग गया। तो मुझे लगता है ये मेरा चैलेंज पूरा हो पाएगा, चलो देखते हैं इंशाल्लाह होगा। थोड़ा तेज भागते, भागो भागो, चलो। तो गाइस अभी ना, ओ मेरी बस होने वाली है, क्योंकि गर्दन भी दर्द कर रही है, और अभी तक मैंने कम आधा नहीं किया, 35% तक रास्ता तय किया है, और अभी पूरा रास्ता भी नहीं हुआ है, और मेरी अभी कमर जो है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, और पता है मेरी गर्दन पेन कर रही है, और एक बाजू भी दर्द कर रहा है भाई।
चार साल के बाद किया ये सब। चलो देखते हैं, वो पता नहीं होता पता। फाइनली गाइस वो 300 किलोमीटर का रास्ता तय हो गया है। और अभी कमर मेरी ना, वो मत पूछो क्या कर रही है। चल देखो यार, ऊपर से रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, पता गलत रास्ते पे आ गया मैं। यार अब एक्सट्रीम पेन हो रहा है यार। तो फाइनली गाइस इस वाले रिवर पे पहुंच गया हूँ, और अभी मतलब बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। हाँ बहुत दर्द हो रही है यार। एक्सट्रीम पेन हो रहा है अब, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पहले तो सिर्फ कमर में हो रहा था, अभी गर्दन, कमर, कंधे, लाग, लेग वगैरह सब कुछ दर्द कर रहा है। और ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यहाँ से जाना, यार ये देख कसम से अगर एक बार भी पाँव फिसला तो बंदा गया। ओ गॉड, ये देखो यार रास्ता कैसा है। तो फाइनली गाइस मैंने चैलेंज पूरा कर दिया। मैं वहाँ से यहाँ तक दिखाता हूँ मैं आपको, मेरी सांस नहीं आ रही है। मैं वहाँ से वो पीछे घूम के यहाँ से सीधा यहाँ तक दो चीज़ें लेके आया हूँ। मैं बहुत सा देखता हूँ चैलेंज पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है। फाइनली हमने कर लिया। और ये पसीना देखो यार, और ये चीज़ें अभी ना बहुत पेन कर रही हैं। चलो जो भी था, ऐसे मजाक मजाक में चैलेंज बोल दिया करना था बड़ा, क्योंकि अब अगर नहीं करता तो रख देती थी। चार साल के बाद यार कसम से, चार साल के बाद ये काम किया, और चार साल के बाद ये उठा के एक बार में ले आया हूँ। पहली बार तो उठा लाया हूँ, लेकिन जब थोड़ा रेस्ट करूँगा उसके बाद चलेगा, कर दूँगा क्या हुआ। चलो चलते हैं अंदर देखते हैं रिजवान भाई का क्या हाल है। ये देखो इसने खुद की लात तोड़ के ना और मेरा ये हाल बनाया है। ये देखो बिना पसीने के सूखा सूखा, और मेरा हाल देखो, नहीं तो गठे होता दोनों का। देखो पूछ रहा है कहाँ पे था। थैंक यू, इसी का काम कर रहा था। पार पूरी मग काट के हमने छिल छल के ले आए हैं, और ये अभी पूछ रहा है, ये अभी पूछ रहा है कि किधर था सुबह से। ये अभी वही पूछ रहा ना, काम तेरा और पूछा मेरा, क्या बनेगा रे तेरा। अम्मा शुद्ध के मशहूर है तुम जो फिर तुम्हारा नहीं पतो, तुम्हारा नहीं पतो इस दुनिया में के वह लो, या दुनिया थारा काम की नहीं है। वो गाना का ये दुनिया मेरे काम पूछ पूछ। हाँ वही को ना, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, ये नींद मेरे काम। हाँ नींद तेरे काम। आप जाओ, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इसका भी जख्म नहीं ठीक हुआ है। तो गाइस अभी आराम के लिए 10 मिनट बैठे हैं, काम 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 काम। तो अब बुला रहे हैं अंदर, चलते हैं खाना खाने। धूप आ रही है मस्त। ओ उधर गए थे मक्की काटने के लिए, अब चलते हैं खाना खाते हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, गजरी स्टाइल की खाना खाएंगे। गजरी स्टाइल की नहीं, गजरी स्टाइल का खाना खाएंगे। तो चलते हैं। ये देखो हाँ, मुझे बोल रहा फोटो खींच। स्पेशल जो है ना, ये शर्ट, ये पेन, वो शूज़, इसने सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि मेरा फोटो खींच। क्या बोलूँ आप बता, क्या बोलूँ तुझे। लव यू, लव यू। चलो ठीक है, इसके फोटो खींचता हूँ, एक दो स्टोरी डालेगा, जाकर देख लेना। इसको भी फॉलो कर देना, @rizu59 इंस्टाग्राम अकाउंट है ना। तो ठीक है, मैं इसका फोटो खींचता हूँ, फिर चलते हैं खाना खाने। इसको खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, फिर भी बोल रहा है मेरे फोटो खींच। इतना पोज इसका, वाह बस मस्त है। गाइस मैं जा रहा हूँ बाजार, और इसको यहीं पे घर पे छोड़ के। कैसा लग रहा है आपको मज़ा? ज़्यादा ये रो रहा है। मैं अभी 3:30 हो गए, और बाजार जाना है, वो काम है पहले सुबह से। उधर वो मक्की काटी, पकौड़े छकौड़े लग गए। हाँ मुके मच्छे जी, पकौड़े छकौड़े। चल ना साथ, चल इसको साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसको बैठाएंगे काम। चलो रिजवान भाई को भी साथ लेके चल रहे हैं भाई, जब इसको उठाते हैं ऊपर लेके। क्यों? सो रिजवान भाई बोल रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे एक काम मिल गया यार। क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता। जहाँ पे इंसान नाजुक जगह पे होता ना, वहाँ कुछ नहीं बोल सकता। चलो मट्टी उठाता हूँ, गाड़ी में डालता हूँ, भरा के लाता हूँ। जा रहा था अपने काम से, लेकिन काम मिल गया मुझे। चलो
चलता हूँ उठा के फटाफट से। तो गाइस मैं जा रहा था अपने काम और मुझे मिल गई ये मछली, क्या बोलूँ आप मैं इनको, तो उठाता हूँ फटाफट गाड़ी में डालता हूँ निकल निकलता। तो मैंने मट्टी डाल दी है गाड़ी के अंदर, फरारी को लेके जाऊँगा, बिल्लो रानी यहीं पे खड़ी करूँगा और फटाफट फरारी को स्टार्ट करते हैं और लेके निकलते हैं बाजार। तो फाइनली गाइस मैं मेडिकल शॉप पे पहुँच गया हूँ, क्लीन केयर क्लिनिक, और ये रही अपनी फरारी यहाँ पे लगाई है। तो थक गया यार, इधर बहुत धूप हो रही है, तो फटाफट दवाई लेते हैं और चलते हैं वापस घर पे, थोड़ा बहुत काम है, कुछ चीज़ें लेनी है वो लेके फिर निकलूंगा घर को। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो हंसते रहो मुस्कुराते रहो, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Yeah!